गोरखपुर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर शास्त्री चौक मोहद्दीपुर समेत कई जगहों पर अव्यवस्थित खड़े ऑटो ई रिक्शा वालों को चेतावनी दी गई। इस दौरान कई ऐसे भी मिले जिनके पास लाइसेंस तक नहीं है और वे ई रिक्शा पर सवारी लेकर जाते मिले। ऐसे चालक जाम के साथ ही जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे 65 ई रिक्शा चालकों पर जुर्माना लगाया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर दोबारा बिना लाइसेंस के चलते मिले तो ई रिक्शा को सीज कर दिया जाएगा। एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने यातायात पुलिस टीम के साथ शास्त्री चौक, रोडवेज व अन्य स्थानों पर ई रिक्शा के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 65 ई रिक्शा चालक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलते पाए गए। उनके खिलाफ परिवहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इस अवसर पर TI मनोज राय, TI अजीत कुमार पांडे सहित अन्य यातायात पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने कहा, जो रिक्शा चालक जो बिना DL के ई रिक्शा चला रहे हैं उन्हीं के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया है। ये अभियान की शुरुआत 7 तारीख से ही की गई है। कल भी अभियान चलाया गया था और अभियान उसी क्रम में आज भी चलाया जा रहा है। जैसा कि ये सूचना आ रही थी, कुछ नाबालिग बच्चों द्वारा भी चलाया जा रहा है। बिना हेलमेट, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के लोग चला रहे हैं, अनट्रेंड लोग चला रहे हैं, तो उसी क्रम में ये चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। और जो लोग बिना DL के, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलाए हुए पाए जा रहे हैं, उनके विरुद्ध यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये अभियान आगे भी चलता रहेगा। अब तक कितने गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई की गई? अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया, कल से अभियान चल रहा है, तो कल 7 तारीख को 160 ई रिक्शा सीज किए गए थे और आज भी लगभग 30-40 रिक्शा जो है कि बिना DL के चलाते हुए पाए गए हैं। वाहन चालक, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और अभी ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी।